पंटर की प्रॉब्लम क्या है, क्या है पंटर की प्रॉब्लम। बहुत सोचा, बहुत समझा, उसके बाद इस वीडियो को बनाया। इस वीडियो को बनाने के बाद सोचा कि आप में से किसी एक व्यक्ति का भी नज़रिया सही कर पाऊँ तो शायद इस वीडियो का बनाने का मतलब सार्थक हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपके पास समय नहीं है प्रॉपर तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए, इसे मत देखिए, क्योंकि अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में एक चोट जरूर पड़ेगी, आपके अंतर मन से एक आवाज़ ज़रूर आएगी, शायद ये बंदा सही कह रहा है और हम ऐसे ही हैं। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए हुए डिस्कस कर लेता हूँ कि आप सब या जो भी पंटर है उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो पंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिमिट का कम होना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों। देखिए, जब आपके पास लिमिट अच्छी थी तब तो आप बाहुबली बने घूम रहे थे। अभी आपके पास लिमिट कम है तो आपको लगातार खेलना है, खेलना है, खेलना है, और करते करते लिमिट कम और कम, नुकसान नुकसान और कम और कम, और आप ख़त्म। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इसके बाद बात करता हूँ कि पंटर की दूसरी प्रॉब्लम क्या है। पंटर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक टिपर को फॉलो नहीं करता। रीज़न, आज इसको फॉलो करूँगा, कल उसको फॉलो करूँगा, परसों उसको करूँगा, अरे यार इसका तो एक मैच फेल हो गया, इसकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, इसकी एनालिसिस गलत हो गई, चलो अब मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एक टिपर के साथ, एक प्रेडिक्शन के साथ, जो अपनी प्रेडिक्शन दे रहा है उस व्यक्ति के साथ अगर आप वर्क नहीं करोगे ना तो आप फिनिश हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हम फंस कहाँ गए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपके लिए, चलिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पंटर जब कभी कहीं जाता है ना तो उसके देखिए सवाल क्या होते हैं, उसकी बातें क्या होती हैं। उसकी बातें होती हैं, सर लॉस कट नहीं किया, सर मैसेज देर में देखा, सर भाव ही नहीं मिला, सर रेट कम था, बारिश सर कब रुकेगी, सर ये बारिश रुक पाएगी तो मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, कैसे मैसेज करते हो? तुम्हारे पास ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं? तुमने जिसके पास काम शुरू किया है या तुम जिसको भी फॉलो करते हो उससे इस तरह के बेवकूफ़ाना वाले सवाल पूछा करते हो? सबसे बड़ी पंटर की प्रॉब्लम तो ये है कि वो छोटी सी फीस देके किसी के पास अगर ज्वाइन भी करता है तो बहुत बड़े सपने देखता है और ये सोचता है कि आज ही सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा और मैं तो बिल्कुल कमा के करोड़पति अंबानी टाटा बिरला कोई बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है भाई, आप लोग क्यों नहीं समझते हो मेरी बात को? मैं आप लोगों को इतनी सारी चैनल पर वीडियो बना के दे चुका हूँ, कब तक, क्यों, कैसे? अपने ईगो एटीट्यूड को साइड पर रखो भाई, समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो उसको प्रॉपर फॉलो करो। अगर वो फ्री दे रहा है तो आप उसकी फ्री प्रेडिक्शन लीजिए, अगर वो पेड सर्विस दे रहा है आप उसकी पेड सर्विस लीजिए, लेकिन किसी एक को ही फॉलो करिए। और अगर नहीं कर सकते, उसकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते या उसकी सर्विस नहीं ले सकते तो स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए, फिर जब वो फ्री दे, ओपन दे, आप खेलिए। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी को ज्वाइन करिए, आप मत करिए, लेकिन कम से कम इंतज़ार तो करिए। आप ना इंतज़ार करने की वजह से कितने गड्ढे में जाते जा रहे हो आपको पता ही नहीं लग रहा है। और आप कभी सोचना कि जब आपकी लिमिट बहुत अच्छी हुआ करती थी तब आप कहाँ थे? तब तो आप बाहुबली थे ना, आपसे बड़ा तो कोई था ही नहीं इस दुनिया में, आपको सब कुछ मालूम था। और वहाँ से आप छोटे 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 बिल्कुल गड्ढे पे जा रहे हो। भाई मेरी बात को समझो, इससे अगर निकलना है ना तो अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अपनी स्ट्रेटजी बदलने के साथ साथ तुम्हें एक अपने मोरल को भी बिल्डअप करना पड़ेगा और तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि तुम कुछ दिन अगर इस बैटिंग लाइन को छोड़ दोगे या फिर रुक जाओगे या फिर इंतज़ार कर लोगे तो इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। आगे चल के काम कर लेना, लेकिन पैसे को जोड़ो, पैसे की इज्जत करो, लिमिट को बड़ा करो। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में तो बड़ा करो। तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारे समझने लायक है और तुम्हें समझ में आती है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइफ में लोग इसलिए फेल नहीं होते कि जैसा मैंने चाहा वो हुआ नहीं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं कि जैसा मैंने चाहा वो हो गया। अरे चाहा ही इतना सा तो हो गया। और जादू के डब्बे से, जादू के पिटारे से पंटर एक नई चीज़ ढूंढ के लाता है, डैमो। अरे डैमो डैमो डैमो, आपको मालूम है डैमो की वजह से आपका कितना नुकसान होता है? आप 10 लोगों के पास जाते हो, 10 जगह डैमो मांगते हो, और अगर उन्होंने डैमो दिया और वो फेल हो गया तो उस प्रेडिक्शन की वैलिडिटी क्या रही? आपकी तो लिमिट झक हो गई ना, आप तो गर्त में आ गए ना, अब क्या करोगे? ज़्यादा ज़्यादा उसको दो गालियाँ दोगे, ब्लॉक करोगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो?
लेकिन उस डैमो इस चुतियापे के चक्कर में तुमने अब तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ना। अच्छा देखो, डैमो की चिड़िया क्या होती है मैं तुम्हें ये भी समझाता हूँ। डैमो तुम लोग उससे मांगने जाते हो जिसका काम ऑलरेडी तुम देख रहे हो, जिसको फॉलो लगातार तुम कर रहे हो, उसके पास भी तुम डैमो मांगने जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कभी इस नज़रिए से निकल पाओगे कि प्रोफेशनल चीज़ें क्या होती हैं, एक बिजनेसमैन का नज़रिया क्या होता है? तुम सोचते हो कि तुम एक छोटी सी फीस देके अगर किसी को ज्वाइन भी कर लेते हो तो तुम बहुत बड़ा खेलते हो, बहुत बड़ा प्ले करते हो, तुम्हें लगता है कि आज ही सब कुछ हो जाना है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। भाव कम मिले तो प्रेडिक्शन वाले की गलती, भाव ना मिले तो प्रेडिक्शन वाले की गलती, तुम मैसेज देर में देखो तो प्रेडिक्शन वाले की गलती, तुम लॉस कट बुक सेट ना करो तो प्रेडिक्शन वाले की गलती। लॉस कट बुक सेट क्यों नहीं करते भाई? अगर कोई आपको मैसेज करके बोल देता है, या आपका कोई जिसको भी आप फॉलो करते हो वो आपको इंस्टेंट मैसेज करके या आपको ओपन आके बोल रहा है कि अब आपको लॉस कट बुक सेट कर लेना, तो आप क्यों नहीं करते? अगर आप लॉस कट बुक सेट नहीं कर रहे हो उसके बाद, अच्छा समस्या क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए ही नहीं क्योंकि गड्ढे आपके इतने बड़े हैं। अगर आपको छोटा सा प्रॉफिट चाहिए हो और आप इसको बिजनेस की तरह अपनाएं और हमेशा कमाएं तो ये आपसे होता नहीं। अरे आपको मालूम है एक पूरी सीरीज, एक पूरी लीग में माइनस पे ना उठना कितना बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन आपको वो माइनस में ना उठने से ज़्यादा पसंद है कि मैं करोड़पति अंबानी बन जाऊं एक ही सीरीज में। ऐसा नहीं होता जब तक इस तरह के गंदे और डरावने सपने तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे, तुम्हारे दिल जहन और दिमाग में आते रहेंगे, तुम कभी उठ नहीं पाओगे। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, आपको लग रहा हो मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। चलिए आप लोग अपनी सारी समस्या, अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी सारी दिक्कतें एक टिपर पे या एक प्रेडिक्शन वाले पे डाल देते हो, उसके कंधे पे सारा बोझ डाल देते हो। इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि आपको मैं इस स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं कि दूसरे के ऊपर कंधे पे लादना नहीं चाहिए। वो क्यों? देखिए एक बार क्या होता है कि एक कंपनी में एक मैनेजर नया अपॉइंट होता है, तो जब वो नया अपॉइंट होता है तो एक पुराना मैनेजर जो जा रहा होता है वो उसको 3 लिफाफे देता है। नया मैनेजर पूछता है कि सर ये लिफाफे किस बात के हैं, तो कहता है कि जब भी कभी तुम 3 बड़ी मुसीबतों में फंसना तो इसमें से एक लिफाफा खोल लेना, तुम्हारी मुसीबत सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। 2-3 महीने काम करने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है वो। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है तो वो क्या करता है कि एक पहला लिफाफा खोलता है, उसमें लिखा होता है कि इस समस्या का सारा क्लेम और ब्लेम एम्प्लॉइज़ पे डाल दो। वो ऐसा ही करता है और बच जाता है, सारे एम्प्लॉइज़ पे वो ब्लेम डाल देता है और बच जाता है। फिर 3-4 महीने बाद एक समस्या आती है तो वो दूसरा लिफाफा खोलता है। जब दूसरा लिफाफा खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि सारा ब्लेम लास्ट वाले मैनेजर पे डाल दो, यानी जो छोड़ के गया उसके ऊपर डाल दो, उसके कंधे पे डाल दो। वो ऐसा ही करता है। और जब वो दूसरे वाले मैनेजर के ऊपर, जो लास्ट पहले यहाँ काम करता था जिसने 3 लिफाफे दिए हैं, उसके ऊपर सब कुछ डाल देता है और बच जाता है। 3-4 महीने बाद फिर एक समस्या आती है, और जब समस्या आती है तो तीसरा लिफाफा खुलता है, उसमें लिखा होता है कि अब कुर्सी छोड़ने की तैयारी करो और ऐसे ही 3 लिफाफे आने वाले मैनेजर के लिए बनाओ। क्यों लिखा गया था उसमें ऐसा, आप सोच सकते हैं? क्योंकि जब जिम्मेदारी लेने की बारी थी तो उसने तो सारी समस्या कभी एम्प्लॉय के ऊपर, कभी पिछले मैनेजर के ऊपर, कभी किसी के ऊपर डाल दी। तो जब जिम्मेदारी लेने वाली बात थी तो जिम्मेदारी लेने के लिए सिर्फ एक टिपर है, एक प्रेडिक्शन हाउस वाला ही है, वही सारी आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। तो भाई आप भी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, या आप किसी को लगातार फॉलो नहीं कर सकते, या आपको सिर्फ डेमो चाहिए, डेमो के चक्कर में कितनी अपनी लिमिटें गंवाई हैं आप लोगों ने, कभी होश भी है आपको? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे लिमिट है भाई, कोई वो नहीं है, मेटल नहीं है कि जिसको ज़मीन को खोद के निकालते रहोगे और वो कम नहीं होगी। अरे ज़मीन से मेटल निकालते निकालते तो ज़मीन में भी मेटल कम होने लगती है। लेकिन तुम लोगों के अकल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? चीज़ों को समझो भाई। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों को एक अच्छा नज़रिया देने के लिए। अगर तुम लोग अच्छा नज़रिया अप्लाई नहीं करोगे तो ज़िंदगी में बहुत लॉस पे चले जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम में से कोई भी छोटा बड़ा भाई, जो भी मुझे फॉलो करता है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो कभी भी नुकसान पे जाए। और चलो मैं एक सबसे बड़ी बात तुम्हें बताता हूँ, डेमो फ्री ट्रायल और इधर उधर और इधर उधर फॉलो करना, ये सब तो चलो पंटर की प्रॉब्लम है ही है। सबसे बड़ी पंटर की प्रॉब्लम जो आती है वो इस चीज़ में आती है कि वो दूसरों को उसका हक ही नहीं देना चाहता। अब हक कैसे नहीं देना चाहता मैं भी बता दूँ, फिर मैं एक वीडियो और बनाऊँगा कि इसमें सारी गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपकी ऐसी मैंटालिटी हुई तो क्यों हुई। मैं हर एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं आपको इस वीडियो को क्रक्स बता दूं, बिल्कुल अंतिम निचोड़ बता दूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो याद रखिए, IPL 2021 के बाकी बचे मैचों की प्रेडिक्शन, आने वाला सीजन फिर वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद बिग बैश लीग। आप ऐसी तरह की लीगों को मिस ना करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है जो मैंने इतनी देर बड़बड़ाया उसके बारे में। और मैं अब आपको बताता हूँ कि पंटर की जो मेन समस्या है वो क्या है और कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसा नज़रिया रखना चाहिए। और नज़रिया कैसे रखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग नाई की दुकान पर जाते होंगे, सैलून, बार्बर गया, बाल कटवाने, आप कभी फील करिएगा, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि ज़िंदगी में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में चीज़ें कैसे काम करती हैं और वो इतनी सुपीरियर तरीके से काम करती हैं कि आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। करके देखिएगा, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप जहाँ बाल कटवाने जाते हैं ना, वो आपसे कितने पैसे लेता है, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी उसकी फ़ीस है मुझे नहीं मालूम। अगर एक मेरे ख्याल से सैलून वाला बाल काटता होगा तो लगभग 100 रुपये में काटता होगा। तो चलिए, जब वो काटता है आपके बाल तो आप एक काम किया करिए कि जब भी उसे बाल कटवाने जाए ना, उसे 50 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों भाई? आप साल में कितनी बार बाल कटवाने जाते हैं? 12 बार। अगर 12 बार तो साल भर का खर्चा कितना हुआ? अगर वो 100 रुपये लेता है तो 1200, आपको कितने लग जाएंगे? 150, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा ही तो लगेंगे ना, तो 600 रुपये एक्स्ट्रा 12 बार के लग गए, तो कितने लग गए आपके? 1800। लेकिन आप याद रखिएगा, आप एक नाई को, एक सैलून वाले को, एक बार्बर को 50 रुपये टिप के तौर पर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जब आप 2-3 बार उसको ऐसा करेंगे ना, तो मालूम है इससे क्या होगा? अगर एक करोड़पति भी बैठा होगा ना और आप जल्दी में पहुंच जाएंगे कि अरे यार मेरे बाल काट दो, तो वो उसको हटा के आपको बैठा देगा और वो करोड़पति मुंह देखता रह जाएगा कि यार ये कैसा बंदा है यार, इसको देखते ही इसने मुझे हटा दिया। तब जो फील आएगा ना आपके अंदर, वो कमाल का होगा। ज़िंदगी में ईच एंड एवरी थिंग इज़ योर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स द थिंग अच्छा है, अगर आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया चीज़ों को समझने में अच्छा है, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। तो मेरे ख्याल से पंटर की प्रॉब्लम यही है। पहली बात तो दूसरों का हक ना देना, तीसरी बात एक ही दिन में करोड़पति बनना, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डेमो के चक्कर में अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते जाना और अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोदते जाना जिसमें वो एक दिन खुद ही धंस जाएगा। ये सब करना बंद कर दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और परेशान मत हो, गुस्से में नहीं बना रहा हूँ वीडियो, आप लोगों को अच्छा सिखाने के लिए बना रहा था। और जल्दी ही और मैं ये IPL से रिलेटेड कुछ अपनी वीडियोस डालूंगा, प्रेडिक्शंस डालूंगा। CPL चल रहा है, सीज़न हमारा बहुत शानदार है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए, ख्याल रखिएगा अपना सब लोग, मिलेंगे आपसे नई वीडियो पे, अगली वीडियो पे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी बात सही लगी या नहीं।